हम लोग अपनी तीसरी पोयम थर्ड पोयम कक्षा 12 की ऑन हिज ब्लाइंडनेस का विवेचन करेंगे, विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस पोयम के रचयिता जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन पैदा हुए थे 1608 में, 1608, एंड डाइड इन 1674, 1674 में एक्सपायर किए। जॉन मिल्टन का जीवन तमाम जनजातों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे और 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए। 1608 में पैदा हुए थे और 1652 में पूर्णतः अंधे हो गए। मूलतः प्यूरिटन हैं, शुद्धतावादी हैं और एक रिलीजियस पोएट, या इनका जो बैकग्राउंड है वह रिलीजन के ही संदर्भ में आता है। जैसे हम लोगों के यहाँ महाभारत है, रामायण है, उसी तरह से क्रिश्चियन जगत के दो महाकाव्य हैं जिसको हम एपिक पोएम कहते हैं अंग्रेजी में, उसी तरह से क्रिश्चियन जगत में दो महाकाव्य हैं। पहला है पैराडाइज लॉस्ट जिसको मिल्टन ने लिखा था, और दूसरा है पैराडाइज रीगेंड। पहला हिंदी में अगर हम बताएं तो पहला स्वर्ग का अंत और दूसरा महाकाव्य है स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति। ये महाकाव्य है और नाम से ही आप जान सकते हैं, बाइबलिक थीम है, माने बाइबल से प्रभावित थीम ही है कि स्वर्ग कांत कैसे हुआ, फिर स्वर्ग की पुनर्प्राप्ति कैसे हुई। और इस तरह रिलीजियस जगत में जॉन मिल्टन बहुत ही सम्मानित है, इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि का लिया जाता है। खैर, बहुत कुछ मिल्टन के बारे में परीक्षा में पूछता नहीं है तो जरूरत भी नहीं बताने की, लेकिन निश्चित ही ए पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज बाय जॉन मिल्टन इज कंसर्न विथ बाइबल। द थीम इज पर्सनल, रिलेटेड टू द पोएम, बट इट्स इफेक्ट इज बाइबलिक। कभी 44 वर्ष की उम्र में पूर्णतः अंधा हो जाता है, तो अंधा होने के बाद सोचिए क्या फीलिंग्स हो सकती है एक व्यक्ति की। अंधा होने से पहले मिल्टन महोदय बड़ा भ्रमणशील थे। तमाम शुरू में तो उनकी जीवन बड़ी अच्छी थी क्योंकि पिताजी एक सम्मानित व्यक्ति थे और प्रारंभिक जीवन ठीक ठाक था। मिल्टन ने 1637 से 1639 तक, यानी 2 साल पूरा यूरोप भ्रमण किया, स्विट्जरलैंड गए, इटली गए और यूरोपीय देशों की उन्होंने अपने ढंग से यात्रा की, अच्छा रहा, यात्रा करते रहे। अब हम मूलतः इस कविता पर आते हैं जिस कविता को हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द पोएम रिफ्लेक्ट्स पोएट्स ग्रीफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
मूल थी में ही है, कभी अंधा हो जाता है, उसके मन में एक भय आतंक पैदा होता है कि मैं अंधा हो गया, और अंधा होने के बाद जो मेरे अंदर एक प्रभु ने टैलेंट दिया था, प्रतिभा दिया था, वह प्रतिभा काव्य रचना की थी, पोएटिक जीनियस जो उनके अंदर थी, उनको लगता था कि मैं अंधा हो गया, अंधा होने के कारण मैं अपने इस पोएटिक जीनियस का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। तो एक भय था कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वह ईश्वर के पास जाएगा, अर्थात कभी ईश्वर के पास जाएगा और ईश्वर उसको डांटेगा कि मैंने तुमको एक ईश्वरीय गुणगान के लिए प्रतिभा दिया था, तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया, तुम्हें दंडित किया जाएगा। इस तरह से इसकी थीम है, लेकिन कभी बदलता है। थोड़ा सा पोएम के बारे में समझेंगे बेटा। यह जो हमारी कविता है अमिश ब्लाइंडनेस, यह पेट्रार्कन मॉडल, ये सानेट है। सानेट दो तरह से लिखे जाते हैं, इंग्लिश मॉडल या शेक्सपियरियन मॉडल जिसको कहते हैं, या शेक्सपियरियन पैटर्न, और पेट्रार्कन मॉडल या पेट्रार्कन पैटर्न। तो सानेट की शुरुआत पेट्रार्क, एक इटली का कवि था, उसने ही किया था। तो सानेट एक 14 लाइन की पंक्ति होती है, सानेट में टोटल 14 पंक्तियां होती हैं, 40 लाइंस होती हैं, 40 लाइंस की कविता होती है। तो इंग्लिश सानेट में इसका जो पंक्तियों का विभाजन है वह 4-4-4, अर्थात 4-4 लाइन के 3 क्वार्टर्स होते हैं, जिसको हम चौपाई कह सकते हैं या चौपाया कह सकते हैं, चौपाई कह सकते हैं या कहते हैं, और 2 लाइन का एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है जिसको आप दोहा कह सकते हैं। लेकिन जो पेट्रार्कन सानेट है, पेट्रार्कन सानेट में 14 लाइन की कविता होती है, वह 2 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग 8 पंक्तियों का होता है जो 2 क्वार्टर्न में बने होते हैं, बटे होते हैं, जिसको ऑक्टेव कहते हैं। जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और उस 8 लाइन में 2 क्वार्टर्स होते हैं, और जिसका एक राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए, मतलब पहले पंक्ति का तुक चौथे पंक्ति से और दूसरे का तीसरे पंक्ति से राइमिंग स्कीम चलती है, तुकांत होता है, और उसी तरह से पांचवें की 8वें से प्रेजेंट प्रिवेंट चाइल्ड हाइगमेंट, पांचवें की 8वें से और 6वें की 7वें से, एक पेट्रार्कन सानेट में इसी तरह से चलता है। 8 लाइन है, रैमी स्कीम ए बी बी, ठीक है, ए मतलब ए मिलता है, तुक होता है, तो यह चलता है, 8 लाइन हमारी हो जाती है जिसको ऑक्टेव कहते हैं। इसके बाद पुनः जो 6 लाइन मैंने इस प्रथम खंड में 8 लाइन को लिया है, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है तो पूरे ऑक्टेव को मैंने लिया है, दूसरा पार्ट इसका सेस्टेट इसके बाद मैं आपको दूंगा। ऑक्टेव के बाद हमारा लाइन सेस्टेट हो जाता है जो 6 पंक्ति की होती है, 14 पंक्तियां होती है तो टोटल 8 और पुनः 6, तो उन 6 जो पंक्तियां होती हैं उनको पेट्रार्कन पैटर्न में सेस्टेट कहा जाता है, जो 3-3 पंक्तियों के टर्सेट में बदल जाते हैं। इस तरह से 8 पंक्तियां ऑक्टेव,
दो क्वैटर्न्स हो जाएंगे और सिक्स पत्तियां जो होती हैं वो सेस्टेड होता है जो पुनः तीन तीन पक्तियों के टेरसेट में बदल जाता है और पेट्रॉर्कन सानेट में उस सेस्टेट का राइमिंग स्कीम बदलता रहता है, वह स्थित नहीं होता। अब ऑक्टेव और सेस्टेड के बीच एक टर्न ऑफ थॉट होता है जिसको टर्जा ऑफ वोल्टा कहते हैं साहित्य की भाषा में, या वो ठहराव पाज कहते हैं। टर्जा वोल्टा मतलब पाज, ठहराव मतलब एक दिशा में एक विचार चल रहा है, पहले आठ लाइन में एक दिशा में एक विचार चलेगा, अचानक टर्न ऑफ थॉट हो जाएगा, विचार जो है जैसे ही नौवीं लाइन पर हम जाएंगे विचार ही बदल जाएगा। कभी कुछ कहता है जा रहा है किसी एक दिशा में, तुरंत अपने विचार को वहां बदल के दूसरी दिशा में ट्रांसफर कर देगा। यह विशेषता है किसकी, जो हम सानेट पढ़ रहे हैं, और इस सानेट को हम क्या कहते हैं, पेट्रॉर्कन सानेट। शेक्सपियर इंग्लिश सानेट लिखता है, उसमें भी 14 पंक्तियां, लेकिन राइमिंग स्कीम या मॉडल बदल जाता है उसका। शेक्सपियरियन सानेट में पाज नहीं होता है, टर्जा बोल्टा की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां टर्सेट नहीं होता है, तीन क्वैटर्न्स होते हैं, चार चार लाइन के 12 लाइन हो जाते हैं और दो लाइन का राइमिंग कंप्लीट होता है। तो इस तरह से यह मॉडल है सानेट का। अब हम आते हैं सानेट की थीम पर बेटा, थीम क्या है। तो थोड़ा सा इसमें एक बाइबलिक थीम भी है, आएगा उसी से प्रभावित भी है कभी, लेकिन हम सीधे अपनी पोयम पर ही आ जाते हैं, देखते हैं पोयम को। When I consider how my life is spent, कभी शुरू करता है, When I consider how my life is spent, When I consider, जब मैं सोचता हूं how my life is spent, कि मेरे लाइफ माने प्रकाश यानी आंखों की ज्योति इज स्पेंट, समाप्त हो गई। अर्थात जब मैं यह सोचता हूं कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई, अर्थात मैं अंधा हो गया, और हाफ माय डेज, अर का मतलब बिफोर, हाफ माय डेज 100 साल का हमारा जीवन होता है, तो हाफ डेज माय डेज माने किसी भी इंसान का जीवन 100 साल का होता है, तो अपनी उम्र के आधे से पहले अर्थात कभी 44 साल में पूर्णतः अंधा हो जाता है। 50 साल आधा होगा तो अभी 50 साल का नहीं हुआ है, 44 साल की अवस्था में ही कभी क्या होता है, पूर्णतः अंधा हो जाता है। इसीलिए कहता है कि जब मैं यह सोचता हूं कि अभी मैंने अपने जीवन के आधे बसंत भी नहीं देखे, अर्थात 50 साल भी नहीं पूरे किए, 44 साल में मैं अंधा हो गया, मेरी आंखों की ज्योति चली गई, तो इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाई, और इस तरह से यह लंबी चौड़ी दुनिया मेरे लिए क्या हो गया, अंधकारमय हो गया, अंधेरे से युक्त हो गया, इस लंबी चौड़ी अंधकारमय दुनिया में मैं अकेला रह गया। एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेड टू हाइड, ए टैलेंट की बात करता है, एंड दैट वन टैलेंट, यही जो मैंने कहा कि बाइबिल से प्रभावित होकर इस कविता को लिया गया है, कि और दैट वह एक टैलेंट, दक्षता, क्षमता, बाइबिल पर आएंगे। बाइबिल में एक प्रसंग आता है कि एक मास्टर ने अपने 3 सर्वेंट को, 3 नौकरों को टैलेंट माने क्वाइंस, प्रतीक है सिक्का देता है, वह प्रतीक है क्षमता का, और वह उन उस टैलेंट का जो सिक्का के रूप में अपने नौकरों को दिया था
उपयोग करने के लिए कहता है कि इनका उपयोग करो। उन तीन नौकरों में से दो निडरता पूर्वक उस धन को इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार में लगाते हैं और वो व्यापार वृद्धि होती है, उस टैलेंट से, उस क्षमता से यश और धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन जो तीसरा नौकर था वह ऐसा नहीं कर पाया, वह डरता रह गया और उस डर से अपने उस क्वाइंस का यानी टैलेंट तक, उस पैसे को कहीं यूज करो, अपना व्यापार करो, धंधा करो, तो उस पैसे को समाप्त हो जाने, खर्च हो जाने या फंस जाने के डर से उस पैसे का यूज नहीं करता है और यथास्थिति में बना रहता है। कुछ दिनों बाद स्वामी आता है तो देखता है कि दो नौकर खूब यश गौरव को प्राप्त हुए हैं लेकिन तीसरा नौकर कुछ भी नहीं किया, तो उनको दंडित करता है, डांटता है, फटकारता है। बस यही थीम शुरू हो जाती है मिल्टन पर, कहता है कि दैट वन टैलेंट एंड दैट टैलेंट नॉट इज क्वाइन बट पोएटिक टैलेंट विद इन द पोएट। ईश्वर ने कवि को, ईश्वर यहां मास्टर है एंड ही प्रोवाइड्स, नहीं माने गॉड प्रोवाइड्स मिल्टन पोएटिक पावर। मिल्टन में क्रिएट पोएम्स, मिल्टन में वर्सिफाई इन प्रेज ऑफ गॉड एंड दिस पावर इज प्रोवाइडेड टू मिल्टन बाय गॉड बट ड्यू टू बीइंग डार्क सॉरी ड्यू टू बीइंग ब्लाइंड अंधा होने के कारण कभी को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो वह काव्य प्रतिभा थी, ऑलवेज रिमेंबर टैलेंट मींस पोएटिक जीनियस ऑफ द पोएट प्रोवाइडेड बाय गॉड टू हिम। तो कहता है कि दैट वन टैलेंट, वह एक प्रतिभा, काव्य रचना की प्रतिभा, वर्सिफिकेशन की प्रतिभा विच इज डेड टू हाइट। अब मैं अंधा हो गया हूं तो अंधा होने के कारण मौत तक यानी जब तक मेरी मृत्यु ना हो मेरे अंदर छिपी रहेगी अर्थात यूजलेस पड़ी रहेगी, मैं उस प्रतिभा को अनुपयोगी रखूंगा जैसे उस तीसरे सर्वेंट ने अपने उस मुद्रा रूपी, क्वाइंस रूपी, सिक्वे रूपी टैलेंट को क्या किया, बिना यूज के छोड़ दिया और उसी तरह से पड़ा रहा, उससे व्यापार नहीं बढ़ा, उससे यश नहीं बढ़ा। तो कभी कभी यश नहीं बढ़ेगा, वो प्रतिभा छिपी रह गई। तो इसको कभी क्या बोलता, विच इज डेथ टू हाइड, कहते हैं प्रतिभा तो मेरे अंदर अब छिप जाएगी, पड़ी रह जाएगी, यूजलेस, मौत तक मैं मरूंगा, मौत के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, लास्ट विथ मी यूजलेस कहता भी है कि लॉस्ट बनी रहेगी, पड़ी रहेगी विथ मी, मेरे साथ यूजलेस, अनुपयोगी, बिना किसी काम के। अर्थात अब कभी को डर है अंधा होने पर कि मैं अंधा हो गया, यह पूरा दुनिया मेरे लिए अंधकारमय हो गया, अंधेरे से युक्त हो गया, क्या करिए। और मैं अंधा भी हुआ तो अपनी उम्र के आधे से कम में, अर्थात अभी मैं आधा भी अपनी उम्र के नहीं हुआ था, 44 साल में मैं अंधा हो गया इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, इस लंबी चौड़ी दुनिया में जो मेरे लिए अब अंधकारमय हो गया, अंधेरे से युक्त है, मैं कुछ देख नहीं सकता। और दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, काव्यकरण की प्रतिभा, काव्य रचना की प्रतिभा, पोएटिक जीनियस जो मेरे अंदर थी, क्या है, विच इज डेड टू हाइट, लाइव विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर पड़ी रहेगी, मृत्यु तक छिपी रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी, अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन एक बात कहता है, दो माई सोल मोर बेंट,
दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा का झुकाव काव्यकरण की तरफ है, मेरी आत्मा प्रेरित करती है मुझको, द पोएट्स सोल इंस्पायर्स पोएट, इंस्पायर्स द पोएट टू कंपोज पोएम, टू वर्सिफाई इन प्रेज ऑफ गॉड, टू ग्लोरीफाई गॉड। बट ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस द पोएट इज नर्वस, द पोएट इज होपलेस, द पोएट फील्स डेस्टिट्यूट, बड़ा निराश्रित समझता है, निसहाय समझता है, और उसको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अपनी उस प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। और क्या कहता है कि दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। आत्मा कहती है, आत्मा प्रेरित करती है, द सोल द इनर मोस्ट ऑफ द पोएट इंस्पायर्स हिम टू कंपोज पोएम, किस चीज के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। मेकर कैपिटल से है बेटा, मतलब मेकर मींस गॉड क्रिएटर, टू सर्व के अपनी कविता में मेरा आत्मा कहती है कि मैं कविता करूं, मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करूं, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ उससे माई मेकर, अपने किसका, निर्माता का अर्थात ईश्वर का, कभी की इच्छा है और उसका स्तुतिगान करूं, प्रभु का महिमा मंडित, प्रभु को महिमा मंडित करूं, उसकी दयालुता का, उसकी उदारता का वर्णन करूं, प्रभु उदार है, प्रभु दयालु है। वह कविता उसके अंदर थी, धर कर एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत कर, माना तो है, तो मैं लिखूं। बार बार आत्मा कहती है कि कविता की रचना करो, प्रभु की सेवा में, प्रभु की स्तुति वंदना में, उसकी उदारता का, उसके दयालुता का, उसकी दैवीयता का स्तुतिगान कभी करे, क्यों, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करूं, कब प्रस्तुत करूंगा, ये भी देखिए, माय ट्रू अकाउंट, प्रस्तुत करना, कभी कहता है अंधा हो गया, लेकिन आत्मा प्रेरित कर रही है कि अपने जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत कर, सच्ची सच्चा जो लेखा जोखा है, जो मैंने ईश्वर का स्तुति गान करके किया है, उसको प्रस्तुत करूं। एक दिशा में चल रही है कविता, ऑक्टेव, कोई ठहराव नहीं है विचारों में, कोई पलटाव नहीं है, लिस्ट ही कब रिटर्निंग चाइल्ड, अर्थात लिस्ट ही जब वह लौटे, जब मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाए, चाइल्ड, और लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, अर्थात देखिए बड़ी अच्छी लाइन है बेटा, माई ट्रू अकाउंट प्रेजेंट, माई ट्रू अकाउंट मैं अपनी सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करूं अपने कार्यों का, लिस्ट ही कहीं ऐसा न हो कि जब मेरी मृत्यु हो, अर्थात कभी की मृत्यु हो, और वह ईश्वर के दरबार में लौट कर जाए, अर्थात उसकी आत्मा लौट के जाए, और जब वह ईश्वर के सम्मुख खड़ा हो और ईश्वर उससे पूछे कि मैंने तुम्हें पोएटिक जीनियस दिया था, काव्य प्रतिभा दिया था, तुमने क्या किया, तब मुझे डांट न पड़े, ईश्वर मुझे डांटे न, बल्कि क्या करे, उससे पहले मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दूं और मैं कहूं कि हे प्रभु, आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैंने आप
आपका स्तुति गान किया, आपका वंदना किया, आपके उदारता दयालुता का महिमा मंडन किया और अपना लेखा जोखा लेके मृत्यु के बाद आपके सम्मुख प्रस्तुत। तो आत्मा कहती है कि डांट ना पड़े जब तुम, मैं लौट के जाऊं, आत्मा ही जाएगी ईश्वर के पास। तो जब मृत्यु के बाद मैं ईश्वर के पास लौट कर जाऊं तो मुझे ईश्वर की प्रताड़ना, फटकार, डांट न सुननी पड़े। कितनी बड़ी चीज है, कल्पना करिए। ए ब्लाइंड पोएट इवन कंपोजिंग दिस टाइप ऑफ पोएम, wants to glorify his God due to his Christian belief। तो किस रूप में, इतना तो ये चलता है, कोई किसी को दिक्कत हो, बेटा तो हमको आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपना जितना हो सकता है बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ये आप पर निर्भर करता है। तो यह हमारा 6 लाइन हुआ बेटा। कभी अंधा है, अंधा 44 साल में होता है लेकिन उसके अंदर काव्य प्रतिभा है, लिखना चाहता है, लिख पाया नहीं है अब तक। अंधा होने के बाद उसकी आत्मा जागृत होती है कि नहीं, ईश्वर को महिमा मंडित करना है, उसका स्तुति गान करना है, लेकिन कहीं ना कहीं चुप हो जाती है अब तक। तो कभी को लगता है कि मेरी आत्मा तो प्रवृत्त है, आत्मा का झुकाव है, वह चाहती है कि मैं क्या करूं, टू सर्व देयर विथ माय मेकर, कि मैं कविता लिखूं, काव्य रचना करूं और अपने ईश्वर का गुणगान करूं, उसकी तारीफ करूं, उसकी वंदना करूं, और इस तरह जब मरने के बाद मैं ईश्वर के सम्मुख प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं, तो रख सकूं माय ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा, यह चीज हो जाए। फिर एक प्रश्न भी करता है, डेथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइफ डिनाइड, एक प्रश्न भी है, लेकिन मैं तो समय से पहले अंधा हो गया, मैं पुरुषार्थी था और मेरी आंखों की ज्योति छीन कर क्या ईश्वर मुझसे कठिन परिश्रम की उम्मीद कर सकता है, एक प्रश्न भी उसके अंदर आता है। इतना है, आत्मा तो कहती है कि झुकाव है मेरा तो मैं लिखूं, लेकिन कवि का मस्तिष्क कहता है क्या, डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम द पोएट टू कंपोज आर टू शो हिज पोएटिक जीनियस, हैविंग डिप्रिप्ट हिम फ्रॉम हिज आई साइट, क्या ईश्वर कभी की आंखों की ज्योति छीन कर उसे अंधा कर भी उससे कठिन परिश्रम की आशा करता है। डेथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर, मतलब इसका मतलब डज माने डू, डज जो भी, डज गॉड एग्जैक्ट माने एक्सपेक्ट, क्या ईश्वर आशा करता है, डे लेबर हार्ड लेबर, वो हार्ड लेबर क्या होगा, टू जस्टिफाई हिज पोएटिक पावर, बट द पोएट फील्स ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस दैट ही कैन नॉट शो हिज पोएटिक पावर, इवन हिज सोल इंस्पायर्स, लाइट डिनाइड आंखों की ज्योति छीन कर, आंखों की रोशनी से वंचित कर। फिर कभी कहता आई फॉन्डली आस्क, लेकिन मैंने मूर्खता पूर्वक पूछ दिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन कवि के अंदर अचानक धैर्य उत्पन्न होता है और उस धैर्य ने उसको रोक दिया, उसको रोक दिया कि
नहीं उचित नहीं, आठ लाइन का ही निचोड़ है। कभी अंधा हो जाता है, अपने अंधेपन की बात करता है, जो जैसा मैंने बताया आपसे आठ लाइन में एक दिशा में चलता है, अपनी बात करता है, अंधा है, आंखों की रोशनी छीन ली गई है, ठीक है, उसके लिए दुनिया पूरा अंधकारमय है, अंधेरे से युक्त है, उसके अंदर एक प्रतिभा है, वह प्रतिभा छिपी रहेगी मौत तक, बेकार पड़ी रहेगी, यद्यपि आत्मा चाहती है, आत्मा का झुकाव है टू सर्व, कि वह अपने ईश्वर की प्रार्थना करे, उसकी स्तुति गान करे, उसकी वंदना करे और अपने जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करे, यह उसकी इच्छा है, वह चाहता भी है, लेकिन प्रश्न करता है कि चूंकि मैं अंधा हो चुका हूं और क्या ईश्वर मेरी आंखों की ज्योति छीनकर या किसी भी व्यक्ति की आंखों की ज्योति छीनकर उससे कठिन परिश्रम का आशा नहीं कर सकता, या क्या कर सकता है, क्या ईश्वर ऐसा कर सकता है कि वह किसी की आंखों की ज्योति भी छीन ले? तो इस तरह से वह ईश्वर पर आक्षेप करता है, लेकिन यह आक्षेप हार्दिक हृदय का आक्षेप नहीं है, यह निराशा, घोर निराशा, ठीक है, घोर पीड़ा का आक्षेप है, ड्यू टू हिज मेंटल पेंस एंड होपलेसनेस। ही asks, does God expect hard labor, having deprived his eyesight? लेकिन अचानक कहता भी तो मूर्खता को मेरा प्रश्न था, अचानक धैर्य ने रोका, but patience, लेकिन अधीर धैर्य ने, धीरज आता है, धैर्य आता है टू प्रिवेंट और कभी रुक जाता है। अब यह आपका दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि पोयम सानेट जो है पोयम है और पेट्रार्कन फॉर्म है, तो शुरू की आठ लाइन जो ऑक्टेव था एक धारा में चल रहा था, कभी शुद्ध शुद्ध अपने बारे में कहता है कि मुझको क्या करना चाहिए था अंधा होने के बाद, क्या मैंने किया नहीं किया। सेकेंड पार्ट है सेस्टे, कितनी पंक्तियां हैं, तीन तीन छह, माने तीन तीन लाइन के, यानी तीन लाइन की जो पोएम, इसको टर्सेट कहेंगे, सेस्टेड तीन तीन लाइन के दो पार्ट में बंटता है। अब इनका रैंक स्कीम क्या है, ए बी बी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो चलता है राइमिंग स्कीम ए बी बी ए सी डी डी सी, अगले अब हम चलेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ई यहां इसका है बदलता रहता है, ई एफ एफ, ई एफ एफ, मतलब इसका एक तुक तीन लाइन का बैठा, दो लाइन का तुक बैठता, एक लाइन सिंगल है, फिर अगर हम चले तो ई एफ एफ के बाद पुनः आएगा ई एफ एफ, यानी स्पीड। अब इस तरह से दो चीज है, या तो हम कहें कि जो नौवीं लाइन है बारहवीं लाइन से उसका है, और फिर दसवीं और ग्यारहवीं और तेरहवीं और चौदहवीं लाइन आपस में मिलते हैं, तो इस तरह से राइमिंग स्कीम है पूरे इस सानेट का। तो खैर यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जानना चाहिए बेटा सानेट का पैटर्न है कि शुरू के आठ लाइन का क्या है, ए बी बी ए सी डी डी सी, और ए फिर इसके बाद कुछ भी आ सकता है, ई एफ एफ ऐसे चलता है, या ई ई एफ हो जाएगा, वो तमाम परिवर्तन होते रहते हैं नीचे के सेट। अब
आगे हम अपने विचार पर आ जाते हैं। क्या था शुरू में? पेशेंस टू प्रिवेंट, धैर्यता अचानक रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, अंदर से दैट मर्मर माने एक बड़बड़ाहट, आवाज निकलती है मन में से, फसफसाहट आती है, वह रोकती है और सून रिप्लाइज। कभी अंधा है तो व्याकुलता से, घबराहट से, निराशा से, वेदना से वो आरोप लगाता है ईश्वर पर, लेकिन अंदर से, अंतरतम से, आत्मा से एक आवाज आती है, उसको रोकती है और वह तुरंत उत्तर भी देती है। सुन रिप्लाइज, गॉड डज नॉट नीड मिल्टन, ईश्वर पर कोई आरोप नहीं, ईश्वर को कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, आइदर मैन्स वर आर इज ओन गिफ्ट, कि मनुष्य ईश्वर के नाम पर कोई कार्य करे, आदमी के किसी कार्य की जो ईश्वर के लिए किया जाए, ईश्वर नहीं चाहता है, और नहीं आर इज ओन गिफ्ट, नहीं वह मनुष्य से कोई उपहार चाहता है कि उसको कोई मनुष्य उपहार दे, वो तो मनुष्यों को खुद देता है, मनुष्य को गिफ्ट देता है, तो वो कहता है कि नहीं ईश्वर की तरफ से मनुष्य को कोई उपहार नहीं चाहिए, सॉरी मनुष्य की तरफ से ईश्वर को कोई उपहार नहीं चाहिए, वो तो पालनहार है, वो तो पूरी दुनिया को पालता है, खिलाता है, सारे उपहार उसने मनुष्य के लिए प्रकृति में दे रखे हैं, उसको मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने क्या कहा था कि मैं ईश्वर की सेवा करता अपनी रचना के द्वारा, अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता मृत्यु के बाद। यहां कह रहे ना ईश्वर को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, वो आदमी से कुछ उम्मीद नहीं करता है कि हमको वो कोई भौतिक उपहार दे या मेरे लिए कुछ करे, तो फिर ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा क्या है? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, बहुत ही दार्शनिक लाइन है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो बेस्ट माने अच्छी तरह से, बियर माने सहता है, हिज माइल्ड योक उसके जुआट को, जुआट जानते हैं बैल के कंधे पर रखा जाता है, उसमें हल लगता है, चीरता है, पीड़ा का प्रतीक है जुआट, जुआट वेदना कष्ट का प्रतीक है, वेदना का प्रतीक है या सिंबॉलिक है, मतलब ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा वह करता है जो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रहते हुए भी प्रसन्नता पूर्वक अपने दिए हुए कार्य को संपादित करता है, वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। ईश्वर की सेवा वह नहीं करता है जो ईश्वर को पुरस्कार, ईश्वर को उपहार देने की सोचता हो, भौतिक उपहार चढ़ावा या फिर उसके नाम पर कोई काम करता है ना। ईश्वर कहता है हु बेस्ट बियर इज माई डेवक, जो उसके संक्षेप में नाम का ले तो जो ईश्वर द्वारा दिए गए परिस्थितियों में अपना सर्वोत्तम करता है बिना किसी शिकायत के, बिना ईश्वर पर कोई आरोप लगाए, दे सर्व ही बेस्ट, वह ईश्वर की, वे लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो ईश्वर पर बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी उपहार के, चढ़ावा के या बिना किसी उसके नाम पर काम किए ही जिस परिस्थिति में ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा है, मृत्यु लोक में भेजा है, अपने कार्य को विनीत ढंग से, सहज ढंग से संपादित करते हैं, ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेप इज किंगली, ईश्वर का दरबार शाही दरबार है, वह तो राजाओं का राजा है, बहुत अच्छी लाइन है, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज वर्डिंग स्पीड, जिस तरह से राजा के दरबार में अनेकों सेवक होते हैं एक आदेश पाकर बजाने
के लिए दौड़ पड़ते हैं, अमल में लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह से ईश्वर तो राजाओं का राजा है, उसके दरबार में हजारों देवदूत या फरिश्ते खड़े हैं। क्या करिए, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों एट हिज बाइडिंग स्पीड, उसके एक कमांड पर, एक आदेश पर स्पीड दौड़ पड़ते हैं। कहां? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, वह जमीन पर, आकाश में, जल पर, नियुक्त है किस चीज के लिए? विदाउट रेस्ट, ईश्वर के आदेश को बजाने के लिए, ईश्वर के आदेश को अमल में लाने के लिए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम के। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ईश्वर की वे भी सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उसके दरबार में खड़े मात्र हैं और आदेश की प्रतीक्षा में है कि ईश्वर से कोई आदेश मिले और मैं उसको अमल में लाने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए निकल पड़ूं। वो भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो फिर हमारे ईश्वर की सेवा करने को क्या जरूरत है? मनुष्य ईश्वर की क्या सेवा करेगा? मनुष्य केवल ईश्वर की परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम करे, वह सबसे अच्छी सेवा है। यह बाइबिल का एक अच्छा दृष्टिकोण है और इस तरह से यह पूरी पोएम समाप्त होती है। द पोएट रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स विच वॉज मेड फॉन्डली एंड इम्प्रूव इट। हिज इनर मोस्ट फोर्सेस हिम नॉट टू कॉम्प्लेन अगेंस्ट गॉड, देयर शुड बी नो कॉम्प्लेन अगेंस्ट गॉड बिकॉज गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क ऑन हिज नेम, ही डज नॉट वॉन्ट्स एनी गिफ्ट एनी ऑफरिंग ऑफ मैन, ओनली द मैन हु बियर्स द कंडीशन प्रोवाइडेड बाई गॉड टू हिम सर्व हिम बेस्ट। बिकॉज द स्टेटस या द स्टेट ऑफ गॉड इज किंगली, देर आर सो मेनी थाउजेंड्स सर्वेंट्स इन द, या सर्वेंट्स नहीं बल्कि हम एंजल कहें, देर आर सो मेनी एंजल्स इन द गॉड्स कोर्ट, दे आर स्टैंडिंग देयर एंड दे ओवर स्प्रेड थ्रू लैंड ओशन एंड स्काई टू कैरी हिज ऑर्डर टू इम्प्लाई हिज वर्क एंड दे ऑल्सो एंड दोज एंजल्स ऑल्सो सर्व द गॉड हु स्टैंड्स ओनली इन द कोर्ट ऑफ गॉड एंड वेट दैट दे अचीव दे रिसीव द ऑर्डर ऑफ गॉड एंड सिट अबाउट टू इम्प्लाई इट। दस द पोएम इज कंप्लीट एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल पोएम ऑन द फैक्ट ऑफ लाइफ। आपसे निवेदन है कि यदि यह आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई परामर्श देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।